सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों फाइनली सैमसंग ने अनवील कर दिया है अपने एक लेटेस्ट स्मार्टफोन डिजाइन को, जहां मैं आपसे बात कर रहा हूं एक फोल्डिंग फोन की, और यहां पर दोस्तों लगा है इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार हम ना दोस्तों पिछले काफी टाइम से वेट कर रहे थे कि भैया सैमसंग कब लेके आता है यहाँ पे दोस्तों अपना एक नया फोल्डिंग डिजाइन जहाँ पे लगा हो फ्लेक्सिबल डिस्प्ले। तो यहाँ पे दोस्तों हुआ कुछ ऐसा कि SDC 2018 में सैमसंग ने बात की अपने डिस्प्लेज के बारे में, जहाँ पे दोस्तों बात कर रहे थे यार पुराने एमोलेड स्क्रीन के बारे में, उसके बाद में सुपर एमोलेड HD, सुपर एमोलेड फुल HD, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वाड SD के बारे में, और इनफैक्ट ड्यूअल कर्व डिस्प्लेज के बारे में जो कि दोस्तों काम में लिए गए थे गैलेक्सी S6 S7 वगैरह में। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं इन्फिनिटी डिस्प्ले की जो कि दोस्तों काम में लिए गए थे S8 S9 में, और उसके बाद दोस्तों निकल के आता है आइडिया कि यार अगर हमको और ज्यादा बेजल्स को कम करना हो तो क्या। तो यहां पर दोस्तों सैमसंग लेके आता है 3-4 अलग अलग नाम, जहां पे बात हो रही है इन्फिनिटी यू, इन्फिनिटी वी, इन्फिनिटी ओ और न्यू इन्फिनिटी दोस्तों डिस्प्ले की, जहां पे ऊपर तीन में तो है नॉच अलग अलग शेप्स की और एक में कोई भी नॉच नहीं है। लेकिन हमको दोस्तों ये तो देखने को मिलेंगे ही सैमसंग के फोन्स में डेफिनेटली फ्यूचर में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है आइडिया कि यार अगर हमको फोन के साइज से बड़ा डिस्प्ले चाहिए हो तो हम कैसे काम में लेंगे। भैया हमने बेजल्स को अगर जीरो भी कर दिया तो भी दोस्तों फोन का स्क्रीन होगा वो तो होगा फोन के साइज जितना, लेकिन दोस्तों यहाँ पे बात होती है एक नए टाइप के डिस्प्ले की जिसको सैमसंग बोलता है यहाँ पे इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले। और इनफैक्ट दोस्तों हमको एक वर्किंग फोन भी दिखाया गया स्टेज पे, हालांकि दोस्तों लाइट्स को ऐसा सेट किया गया था कि आप ज्यादा कुछ डिटेल्स वहां पे ना देख पाए, और ये दोस्तों एक शेल के अंदर था, मतलब ये इसका एक्चुअल जो है वो शेप नहीं था। यहां पर दोस्तों ये शेल के अंदर था फोन, लेकिन यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियरली कि आपको दिख रहे थे दो अलग अलग डिस्प्ले, एक फोन के बाहर की तरफ नॉर्मल छोटे साइज का डिस्प्ले दोस्तों, एक फोन के अंदर की तरफ जो कि है एक फुल साइज फुल फ्लेक्सिबल डिस्प्ले, यहां पर दोस्तों साइज है 7.3 इंचेस का। तो ये दोस्तों दिखाया हमको सैमसंग, और सैमसंग बोलता है कमिंग सून, बहुत जल्दी, और यहाँ पर दोस्तों ये जाने वाला है मास प्रोडक्शन में। अब इसका नाम क्या होगा, गैलेक्सी X होगा, गैलेक्सी F होगा, वो दोस्तों हमको नहीं मालूम इसके अंदर क्या प्राइस होगी, क्या होंगी बाकी स्पेसिफिकेशन। आप समझ सकते हैं कि ये एक फ्लैगशिप ग्रेड फोन ही होने वाला है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों डिजाइन क्लियरली विजिबल है कि भाई कैसा होगा ये फोन, एक डिस्प्ले बाहर की तरफ, एक बड़ा डिस्प्ले अंदर की तरफ, और यहाँ पर दोस्तों कोई जॉइंट नहीं, जो स्क्रीन है वो एक्चुअल में कंप्लीटली बेंड कि दोस्तों फोन जो है वो हो जा रहा है बंद। और अगर दोस्तों से बात करता हूं यहां पे इसके कुछ फीचर्स की, तो सैमसंग दोस्तों लेके आता है एक नई टाइप का UI जो कि बोलते हैं One UI, जहां पे जो UI है वो और काफी सिंपल हो गया है यूजर के हिसाब से दोस्तों, जैसा वो करेगा यूज। तो यहां पे जो आपने ऐप को बाहर खोला है, अगर आप डिस्प्ले खोलेंगे तो अंदर दोस्तों आप उसी ऐप में पहुंच जाएंगे। इसके अलावा सैमसंग बात करता है मल्टी एक्टिव विंडोज की, जहां पे आप दोस्तों तीन ऐप्स बेसिकली तीन अलग विंडोज एक साथ खोलकर उनमें कर सकते हैं मल्टीटास्किंग बढ़े आराम से दोस्तों। यहां पे ये भी एक काफी अच्छी बात है कि आप कैसे अपने मतलब जो है वो अलग अलग ऐप्स आपने खोले, क्योंकि दोस्तों डिस्प्ले वो है 7.3 इंचेस का, तो आप काफी दोस्तों कर पाएंगे मल्टीटास्क। और इसके अलावा यहां पे दोस्तों सैमसंग बात करता है कि भैया गूगल जो है वो भी ऑफिशियल दोस्तों जो है तरीके से सपोर्ट करने वाला है फोल्डिंग फोन्स को। तो यहां पे दोस्तों गूगल के एग्जीक्यूटिव्स थे, उन्होंने भी इसी बात को कंफर्म किया, तो ये भी एक अच्छी बात है कि मतलब जो गूगल है वो नेटिव तरीके से दोस्तों सपोर्ट करने वाला है फोल्डिंग स्क्रीन्स को। इसका मतलब ये हुआ कि आपको आगे चल के बाकी ब्रांड्स तरफ से भी शायद ऐसे ही डिजाइन और तेजी से देखने को मिल जाएंगे फ्यूचर में। तो यहां पर दोस्तों ये बात है सैमसंग के इस फोन की जिसमें लगा है इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले। बाकी डिटेल्स क्या है कि भैया फोन के अंदर क्या है स्पेसिफिकेशंस वगैरह दोस्तों, वो हमको कुछ भी अभी नहीं मालूम है। वो डेफिनेटली सैमसंग जब लॉन्च करेगा इसको कंप्लीट मासेस के लिए 2019 में कभी, तब मालूम चलेगा। लेकिन यार डिजाइन काफी इंटरेस्टिंग लगता है। हालांकि दोस्तों एक बात आप देख लीजिए क्लियरली कि सामने जो हमको दिख पा रही है बेजल्स बाहर की तरफ वो थोड़ी ज्यादा लगती है, बिकॉज डिटेल्स तो खैर हमारे पास में भी नहीं है, लेकिन दोस्तों जो मैंने देखा सामने प्रेजेंटेशन में वहीं से देख के लगता है कुछ ऐसा आइडिया। और यहां पर दोस्तों अंदर की तरफ जो है वो बेजल थोड़ी सी कम लगती हैं, और ऐसे में थोड़ा सा मोटा भी बनेगा ये फोन, क्योंकि दोस्तों यहां बात हो रही है ड्यूअल डिस्प्लेस वगैरह की। लेकिन ये है दोस्तों यहां पे सैमसंग का इन्फिनिटी फ्लेक्स डिस्प्ले के साथ में आने वाला ये एक नया फोन, नया डिजाइन।
कैसा है, डिटेल्स क्या है दोस्तों, वो तो खैर मालूम चलेंगे बाद में, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। और यहाँ पर दोस्तों सैमसंग का जो इन्फिनिटी यू वी और ओ के अलावा न्यू इन्फिनिटी डिस्प्ले है वो शायद हम देख पाएंगे सैमसंग गैलेक्सी S10 में, जहाँ पे कोई भी बेजल नहीं होगी, कोई भी नॉच वगैरह नहीं होगी, और शायद नॉच जो है वो सैमसंग काम में लेने वाला होगा अपने मिड रेंज फोन्स वगैरह में। दोस्तों यहाँ पे ये है कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स कि भैया सैमसंग किस दिशा में काम कर रहे हैं, और ऐसे में मैं काफी एक्साइटेड हूँ इस फोन के लिए जहाँ पे आपको एक्चुअल में दो डिस्प्ले मिल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही डिस्प्ले है उसको आपने फोल्ड कर दिया या खोल लिया, एक डिस्प्ले कंप्लीटली बाहर की तरफ छोटे साइज का जहाँ पे अपने एक हाथ से बड़े आराम से सारे काम कर पाएंगे, और एक डिस्प्ले अंदर की तरफ 7.3 इंचेस का जो कि एक मिनी टैबलेट जितना बड़ा है। और ऐसे में दोस्तों अगर आप बात करते हैं मल्टी एक्टिव विंडोज की तो वो भी एक इंटरेस्टिंग टच निकल के आता है, जहाँ पे दोस्तों सैमसंग का जो वन UI है जिसमें काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं वो देखते हैं किस तरीके से काम करता है। बाकी फिलहाल आप मुझे बताओ नीचे कॉमेंट्स में कि आप दोस्तों इस फोन के बारे में क्या सोचते हो, क्या आप इसके लिए एक्साइटेड हो, देखते हैं कि ये 2019 में सैमसंग कब लेके आता है मासेस तक, इसका असली नाम जो है वो क्या होता है। दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेके आता रहता हूं। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।